बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? ओके। कल हमने बुक साइड एक्टिविटीज़ की थी और ब्लैंक्स थी उसमें जो सूटेबल वर्ड्स के साथ हमने फिल करनी थी। साथ ही ऐड वन लेटर, ऐड टू लेटर्स एंड ऐड थ्री लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड, ये एक्टिविटी की थी। आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, पेज नंबर 89। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 89। मेंशन डेट एंड डे। मेक द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड बाई यूजिंग द प्रिफिक्स अन, यू एन। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम वर्ड है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो है वो अनहैप्पी होगा। जहां पे भी अन स्टार्ट में राइट कर देते हैं हम लोग तो वो नॉट के मीनिंग्स में आ जाता है, ठीक है, खुश ना खुश। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उनके स्टार्ट में हम अन लगा देंगे, यू एन अन, तो वो सारे के सारे जो हैं वो ऑपोजिट बन जाएंगे उनके। आपके पास वर्ड्स हैं, पहले हम वर्ड राइट करते हैं, आपके पास राइट किए हुए, आपने दोबारा से नहीं करने, ठीक है। अवेयर, बिलीवेबल, इंटरेस्टिंग, क्लियर, फेयर एंड कॉमन, कंफर्टेबल, नेसेसरी एंड हेल्दी, काइंड, इम्पॉर्टेंट, रियल, श्योर, ट्रू, सर्टेन। ओके, ये वर्ड्स आपके पास हैं। अब क्या था क्वेश्चन में, कमांड क्या था हमारे पास कि हमने इनको ऑपोजिट इनके राइट करने हैं बाय यूजिंग द प्रीफिक्स अन। इनके स्टार्ट में आप अन राइट कर देंगे तो ये ऑपोजिट बन जाएंगे। जैसे अवेयर का ऑपोजिट अन अवेयर, यू एन, बिलीवेबल अनबिलीवेबल, इंटरेस्टिंग अन इंटरेस्टिंग, क्लियर अनक्लियर, फेयर अनफेयर, कॉमन अनकॉमन, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल,
नेसेसरी अननेसेसरी, हेल्दी अनहेल्दी, काइंड अनकाइंड, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, रियल अनरियल, श्योर अनश्योर, ट्रू अनट्रू, सर्टेन अनसर्टेन। ओके, तो ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट बन गए। पहले जो हमारे पास वर्ड्स थे, वर्ड था अवेयर, ठीक है, अवेयर अनअवेयर, बिलीवेबल अनबिलीवेबल, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, क्लियर अनक्लियर, फेयर अनफेयर, कॉमन अनकॉमन, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, नेसेसरी अननेसेसरी, हेल्दी अनहेल्दी, काइंड अनकाइंड, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, रियल अनरियल, श्योर अनश्योर, ट्रू अनट्रू, सर्टेन अनसर्टेन। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं? मेक कंपाउंड वर्ड्स, जब दो डिफरेंट वर्ड्स को इकट्ठा राइट करके एक नया वर्ड बने और उसका जो मीनिंग हो वो भी न्यू हो, उन दोनों के मीनिंग में ना हो बल्कि न्यू हो, तो उसको कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे पार्ट एफ है ये आपके पास, मेक कंपाउंड वर्ड्स। स्टार्ट में ही एग्जाम्पल है आपके पास, फायर प्लस आर्म्स इज इक्वल टू फायर आर्म्स, फिर डिस्टेंस खत्म कर देना है, फायर आर्म्स। फायर कहते हैं आग को, आर्म्स कहते हैं बाजू को, लेकिन जब फायर आर्म्स एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो इसका मीनिंग है स्मॉल गन्स। ओके, तो जब दो डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा किया और उनका मीनिंग भी चेंज हो गया तो इसको कंपाउंड वर्ड कहेंगे। अब नीचे आपके पास गिवन है नंबरिंग के साथ, वन ब्लैक प्लस टेबल प्लस फार प्लस वॉल प्लस, अब देखें, ब्लैक बोर्ड, आगे फिर जैसे इसको एक साथ राइट किया था ब्लैक बोर्ड, एक साथ राइट कर देंगे, टेबल कवर, टेबल कवर, फार साइटेड, फार साइटेड, वॉल पेपर, वॉल पेपर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है डैम, गेट, वेयर, फायर, ठीक है। हमने फर्स्ट फोर कैसे किए हैं? नंबर वन पे आपने ब्लैक बोर्ड बनाया, टेबल कवर, फार साइटेड, वॉल पेपर। अब डैम है,
themselves gatekeeper wherever firearms है ये firearms example में भी किया था फायर आर्म्स ओके क्या किया हमने फर्स्ट ब्लैक बोर्ड टेबल कवर फार साइटेड वॉल पेपर देमसेल्व्स गेट कीपर वेयर एवर फायर आर्म्स ओके अब बेटे नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास पार्ट एच मेक राइमिंग वर्ड्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स अब हमने राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सेम साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं जिनका एंड सेम होता है ठीक है जिनकी राइम सेम हो सेम साउंड्स हो उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है पार्ट एच मेक राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट यहां पे राइट किया हुआ फ्रीडम रिस्पेक्ट इंजर रिमूव हम इनसे नेक्स्ट टू टू वर्ड्स जो हैं वो मोर बनाएंगे ठीक है फर्स्ट वर्ड है फ्रीडम अब हमने कोई ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जैसे फ्रीडम है उनके एंड में भी डम आए ठीक है रिस्पेक्ट के साथ हम वो फाइंड आउट करेंगे जो जिसके एंड में पैक्ट आए रिस्पेक्ट ठीक है इसी तरह एक्ट का साउंड आए इंजर र की साउंड आनी चाहिए और रिमूव में उव की साउंड जो होगी एंड में वही हमने जो है वो राइट करना है अब आप बताएं फ्रीडम आपके माइंड में कुछ आ रहे हैं फ्रीडम से मिलते जुलते वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हो कुछ भी आपके माइंड में अगर सेम वर्ड्स आ जाते हैं कहीं से भी वो वर्ड होते हैं तो आप राइट कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स राइट करवा रही हूँ फ्रीडम है किंगडम किंगडम नेक्स्ट सेल्डम ओके अब रिस्पेक्ट है परफेक्ट इनफेक्ट इंजर है जिंजर स्ट्रेंजर मूव रिमूव प्रूव मूव ओके कैसे हमने बनाए राइमिंग वर्ड्स फ्रीडम किंगडम सेल्डम रिस्पेक्ट परफेक्ट इनफेक्ट इंजर जिंजर स्ट्रेंजर रिमूव मूव प्रूव ओके बेटा अब हमने कल जो ब्लैंक्स की थी उनको एक बार देख लेते हैं फ्रेजिस एंड देयर मीनिंग्स कल किए थे हमने फ्रेजिस टू ड्राइव आउट फोर्स देम टू गो अवे मीनिंग के साथ हमने मैच करने
टू ड्राइव आउट फोर्स देम टू गो अवे एंड वॉज नियर वॉज गोइंग टू डाई सून स्पीड ऑफ लाइटनिंग वेरी फास्ट ब्रेथेड हिज लास्ट डाइट इवल प्लान्स बैड एक्शंस. कल हमने ये किए थे ना. Phrases and their meanings again. To drive out, force them to go away. End was near, was going to die soon. Speed of lightning very fast. Breathed his last, died. Evil plans, bad actions. उसके बाद हमारी fill in the blanks with suitable words from the box. Raza dashed to the top of the roof to get his ball. Raza sprang. He saw a snake and dashed back in surprise, ran back. He picked up a stick and dashed the snake's head, hit the snake's head. The dashed snake disappeared behind a nearby wall, the wounded snake. Okay? फिर इसके बाद second B part, the judge told the witness to prove his dash identity. He gave his driving license. The judge dashed carefully, examined carefully, and dashed do justice and promised do justice. He also said that you look like a dash person, respectable person. C part. Medina was surrounded by dash traitors. They dashed to the friends of Muslims. They appeared to the friends of Muslims and did not dash their identity and did not disclose their identity. However, Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam of their dash plans, evil plans. Next activity hamari thi, add one letter to make a new word. Hamare paas G R O W grow tha. Humne iske end mein N lagaya, grown ban gaya. वर्ड को स्वॉर्ड बना दिया, रेन को ब्रेन बना दिया, टक को स्टक, रिंग को ब्रिंग, एनी को मैनी. हमने वन लेटर ऐड करके इनको न्यू वर्ड्स बना दिए. अब डी टू है, ऐड टू लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड. रैंग स्प्रैंग, इल स्टिल, टक स्ट्रक, फोर सॉरी फॉर फोर्स, मेंबर रिमेंबर. फिर नेक्स्ट हमारे पास ऐड थ्री लेटर्स था. ऐड थ्री लेटर्स टू मेक अ न्यू वर्ड. रियल रियलिटी, बेट बिट्रे, क्लोज डिस्क्लोज, वेयर एनीवेयर, बैट बैटल, ईट डिफीट. थ्री लेटर्स हमने इसमें ऐड किए और हमारा जो है वो न्यू वर्ड बन गया. तो ये थी हमारी कल की एक्टिविटीज़. आज जो हमने की है उसमें आप लोगों ने देखा है हमने वर्ड्स को उनका ऑपोजिट बनाया है. ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स किए हैं, राइमिंग वर्ड्स किए हैं. ठीक है, वर्ड ऑपोजिट्स क्या यूज़ करके हमने ऑपोजिट बनाया, क्या उनके वाकई ऑपोजिट राइट किए हैं या उनमें कोई स्पेशल सब में सेम थिंग यूज़ किया. तो उसमें हमने यू एन अन प्रेफिक्स यूज़ किया है और सबको ऑपोजिट बना दिया. उसके बाद जो कंपाउंड वर्ड्स हमने बनाए हैं उनको कंपाउंड में उसका वर्ड ऐड करके आगे आप लोगों ने लाइंस ड्रॉ करके उसके ऊपर उसका कंपाउंड वर्ड राइट करना है. और फिर राइमिंग वर्ड्स किए हैं नीचे, टू टू राइमिंग वर्ड्स. अगर आपके माइंड में कोई और राइमिंग वर्ड है जो आपको इनसे ज़्यादा ईजी लगता है तो वो भी आप राइट कर सकते हैं. ओके, वो इसके साथ राइट कर लीजिएगा. मैं चेक करूँगी कि किस बच्चे ने खुद से जो है वो क्रिएट करके, क्रिएटिव माइंड होते हैं आप लोगों के, लेकिन आप जो हैं वो थोड़ी सी कोशिश नहीं करते. तो कोशिश करके आप लोगों ने जो है एक एक और राइमिंग वर्ड इसका राइट करना है. सही है.
इसके अलावा जो हमने इसके पीछे ट्रू फॉल्स किए थे और अरेंज करना था हमने उसको करेक्ट ऑर्डर में, वो वाले भी आप लोगों ने उस दिन किए थे। उसमें ये है कि आप जब ट्रू फॉल्स करेंगे तो आपको उसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कि जो स्टेटमेंट है वो हमने स्टोरी में किस तरह रीड की थी, क्या स्टोरी में उसका कोई जिक्र है। जैसे यहाँ पे है, टीपू एंड फ्रेंड्स गेस्ट वेंट हंटिंग इन अ डैश, कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में। तो आपके माइंड में आएगा फॉरेस्ट था, तो यहाँ ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह ये लाइन भी टीपू सुल्तान ने कही थी, अ डेज लाइफ ऑफ अ टाइगर इज बेटर देन 100 ईयर्स ऑफ अ जैकल। आपको एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकते हैं, एनिमल्स के नेम चेंज कर दें, अ डेज लाइफ ऑफ डैश, टाइगर की जगह कुछ और राइट कर दें। तो आपने लाइन को अच्छी तरह से रीड करने के बाद एमसीक्यूज पे करेक्ट टिक लगाना है। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।